दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सांसद, और मैं बैठा हूं हमारे दिल्ली के हमारे संसद में साथी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के साथ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दिल्ली के उन लोगों के लिए जो लोग दिल्ली के खजाने को, दिल्ली को लूटते हुए नहीं देखना चाहते। और ऐसे में हमारे हाथ में एक ऑर्डर है, दिल्ली के लोकायुक्त महोदय ने, माननीय लोकायुक्त ने एक ऐसे केस में जिसको हम लोग 4 साल से कंप्लेन किए हुए थे कि 5 लाख का कमरा 25 लाख में, 28 लाख में, 30 लाख में बनाया गया है, कड़ी कुंडी का छत वाला कमरा, और जिस सरकार ने 500 नए स्कूल खोलने की बात करी थी, 20 नए कॉलेज खोलने की बात करी थी, वो मात्र कमरे क्यों बना रही है? क्या कमरे नए बन रहे हैं तो उसके हिसाब से टीचर नए आ रहे हैं? नहीं। तो हमने जब इसकी जांच करी अपने स्तर पे और पाया साक्षियों को लेने के बाद कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, लगभग 2500 करोड़ का स्कैम, और करने वाले कौन है? दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई अपना विभाग तो है नहीं। तो आज मैं इस प्रसन्नता के साथ कि जो 4 साल पहले 2019 में हम लोगों ने सवाल उठाया था, उस सवाल पे आज दिल्ली के लोकायुक्त महोदय ने चीफ सेक्रेटरी दिल्ली से रिपोर्ट मांग ली है कि ये जो दिल्ली के सांसदों ने जो कंप्लेन करी है उसकी सच्चाई 20 अक्टूबर के पहले लोकायुक्त को बताया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक और बड़ा घोटाला जो अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ने मनीष सिसोदिया के विभाग के रूप में किया है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। शेष बातें हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी बताएंगे। आप सभी को नमस्कार, और आज दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। आज हमारे भाई मनोज तिवारी जी द्वारा जो दिल्ली के लोकायुक्त को एक कंप्लेंट 2019 में की गई थी, आज उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। दिल्ली के माननीय लोकायुक्त ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को ये आदेश दिए हैं कि जो हम 2019 में चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे कि एक एक कमरे में 22 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जो कमरा 5 लाख रुपए में बनना चाहिए था उस कमरे की पेमेंट 28 लाख रुपए की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक स्कूल जिसका दिल्ली सरकार की फाइनेंस कमेटी ने एस्टीमेट बनाया 5 करोड़ रुपया कि ये 5 करोड़ रुपए में बनना चाहिए, जब उसका टेंडर किया गया तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने रेट डाला वो डाला 3 करोड़ रुपया, तो उसको 3 करोड़ रुपए में अवार्ड दे दिया गया, काम दे दिया गया करने के लिए, और उसको कहा गया कि आपको 1 साल में कमरा बनाना है, 1 साल में ये इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनानी है। मगर उसने 1 साल में नहीं बनाई, वो 3 साल में बिल्डिंग बनाई। उसके ऊपर पेनल्टी लगाने की बजाय, उसका पैसा फोरफिट करने की बजाय, जो उसने 3 करोड़ रुपया का अमाउंट डाला था उसको पेमेंट कितनी की गई? 10 करोड़ रुपया। तो एस्टीमेट बना 5 करोड़ का, जो रेट आया वो आया 3 करोड़ का, और उसको पेमेंट की गई 10 करोड़ रुपये। और हैरानी की बात, अभी यहां से घोटाला शुरू होता है, तो जब उसको 10 करोड़ रुपये की पेमेंट की गई तो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या बोलते हैं कि सारी बिल्डिंग अब दिल्ली में 10 करोड़ की ही बनेगी, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में कोई टेंडर नहीं कराया। उन्होंने कहा, मिनट्स में लिखा हुआ है कि वर्बली ऑर्डर्ड, वर्बल यस, कि इसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया जाए, मगर एक बिल्डिंग में आप उसको 10 करोड़ की पेमेंट कर दो। अगर दोबारा टेंडर होता, अगर हम मान लें कि 2-3 साल के बाद में स्टील का रेट बढ़ गया, तो दोबारा आप उसको टेंडर कराइए। जब आप उसको टेंडर कराएंगे तो पहली बात तो स्टील कुछ
वहां पे लगा ही नहीं। ये जैसी छत आप ये देख रहे हैं जिसके हम नीचे बैठे हैं, ऐसी छत स्कूल में बनी है जिसका पास में फायर का एनओसी नहीं है, जिसके पास में कोई भी एनओसी नहीं है उसको बनाने के लिए, ऐसी वहां पर बिल्डिंग में हमारे बच्चे इतना रिस्क में बैठे हुए हैं। तो हमारे माननीय लोकायुक्त ने ये जो आदेश किए हैं, 2019 में भी जो इससे पहले लोकायुक्त थी मैडम, वो भी इंक्वायरी कराना चाहती थी, वो भी ऑर्डर करना चाहती थी, मगर उनको दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर कर दिया, उनको हटा दिया। 2 साल तक दिल्ली में कोई लोकायुक्त नहीं था। आप देखिए हैरानी की बात कि दिल्ली सरकार को जब ये लगा कि अगर ये केस खुल गया, अगर इंक्वायरी हो गई तो मतीश सिसोदिया को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, तो उन्होंने दिल्ली में 2 साल तक जो सरकार केवल लोकायुक्त के नाम पर उसने सरकार छोड़ दिया, तो उसने 2 साल तक कोई दिल्ली में लोकायुक्त नहीं लगाया। और आज जब दिल्ली सरकार द्वारा हमारे दिल्ली के लोकायुक्त आए हैं, उन्होंने ये आदेश किया है, मैं समझता हूँ चाहे वो एक्साइज का मामला हो, चाहे एक कमरे में दिल्ली सरकार दावा करती है कि हमने 12,000 कमरे बनाए हैं, क्लासरूम बनाए हैं, और एक कमरे में 22 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है, तो आप 12,000 इंटू 22 लाख करेंगे तो 2600 करोड़ का ये घोटाला है जिसका दिल्ली सरकार कोई जवाब नहीं दे सकती है। वो दिन दूर नहीं है। दिल्ली के लोग कहते हैं, ये जो हमारे केजरीवाल कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं इसलिए हमसे डर रहे हैं। आप लोकप्रिय तब होंगे जब आप सलाखों के पीछे दिखाई देंगे, और आपकी वो जेल वाली फोटो जब पूरे दुनिया में चलेगी तब आप और ज्यादा लोकप्रिय होंगे, क्योंकि 2600 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट आज आया है दिल्ली सरकार के खिलाफ, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी।